खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। माफी उस चीज की होती है जिस चीज का व्यक्ति ने उपयोग किया हो। हम आपके घर में रहें और आप कह दें कि आपका किराया माफ किया जाता है, या भोजन संस्थान या होटल रेस्टोरेंट या टिफिन वाला कहेगा आपको भोजन किराया माफ किया जाता है। मुख्यमंत्री जी सहज सरल संवेदनशील है। शिक्षा माफिया की चाल और चालाकी या शिक्षा माफिया और शिक्षा विभाग के जो कारिंदे हैं उनके गठजोड़ से उपजी हुई योजना को समझना बहुत सरल नहीं है। ठीक बात यह है, जब ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं बच्चे का, लाइब्रेरी यूज की नहीं, गेम्स एक्टिविटीज की नहीं है, अन्य एक्टिविटीज की नहीं है, तो उनका शुल्क कैसा और माफी कैसी? अरे सीधा सीधा ये है। और यदि आज सरकार या मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ट्यूशन फीस छोड़कर, यह भी ध्यान नहीं है कि ट्यूशन फीस दो तिहाई होती है और बाकी सब एक तिहाई होता है। तो एक तो यह चालाकी बरती गई कि प्रस्तुतिकरण कैसा किया गया, और ट्यूशन फीस का मतलब क्या होता है? शिक्षण शुल्क। जब शिक्षण हुआ ही नहीं तो शुल्क कैसा, सेवा दी नहीं तो शुल्क कैसा? अरे एक लाइन का स्पष्ट आदेश होना चाहिए कि निजी शैक्षणिक संस्थाएं जिन्होंने जिन सेवाओं को प्रदान नहीं किया या छात्रों ने जिन सेवा का उपयोग नहीं किया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज हो, चाहे स्विमिंग की हो, स्पोर्ट्स की हो, जो भी एक्टिविटीज पे वसूलियां करते हैं, और शिक्षण दिया नहीं, शिक्षण भी एक सेवा है, तो शिक्षण नहीं तो शुल्क क्यों, सेवा नहीं तो शुल्क क्यों? ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे शिक्षण की हो चाहे अन्य गतिविधि की हो, ऐसी किसी भी सेवा का शुल्क लेना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा, और ऐसा जो करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए मान्यता निरस्त की जाएगी। एक लाइन का जवाब है। यह भी जानते हैं सरकार की मजबूरी, सरकार जैसे ही माफी शब्द का उपयोग करेगी निजी शैक्षणिक संस्थाएं वाले कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से आदेश होगा, सरकार पर अधिभार पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जिस प्रकार की ये आपका जो कहते हैं स्किल डेवलपमेंट और तमाम शैक्षणिक प्रोग्राम, इनमें क्या पदापी मची और क्या हुआ है, यह भी सब सरकार के संज्ञान में है। क्योंकि इससे जो पीड़ित होने वाले छात्र हैं, अभिभावक हैं, वो करोड़ों में है, और इससे लाभान्वित होने वाला सिस्टम हर जिले की सैकड़ों शैक्षणिक संस्था है, उनका कंट्रोलर एक व्यक्ति जिला शिक्षा अधिकारी, जिनकी संख्या कुल 52 और 52 का संबंध ऊपर तक। तो करोड़ों लोग अरबों की राशि से कष्ट में जाने वाले हैं, और लाभान्वित होने वाले बहुत सीमित संख्या के लोग हैं, और प्रत्येक लाभान्वित होने वाला वो भी निश्चित रूप से लाखों और करोड़ों में लाभान्वित होने वाला है। तो जहां बहुसंख्यक समाज को पीड़ा हो और सीमित लोगों को लाभ हो, वह संकेत जिस दिशा में जाता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इस विषय को समझना चाहिए, गंभीरता से लेते हुए पुनर्विचार करके, और सेवा नहीं तो शुल्क नहीं, कोरोना के संकट काल में जहां लोग स्वयं समर्पित होकर समर्पण का भाव रखे हुए हैं, ये वसूली का भाव रखे हुए हैं, और सरकार इनके सपोर्ट कर रही है, इनके लिए तो एक बहुत बड़ा हथियार हो गया ये कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षण शुल्क लेना है। ये क्यों, ये घोर मतलब निंदनीय और चिंतनीय विषय है, इसका निराकरण शीघ्र होना चाहिए। धन्यवाद। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।